देश में नौकरी करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे लाखों लोग हैं जो अपनी सैलरी बढ़ने का वेट करते हैं हर साल। हर साल सभी कंपनियां सैलरी बढ़ाती हैं, कोई कर्मचारी खुश होता है और कोई नाराज। किसी की सैलरी 10% बढ़ती है तो किसी की 2 से 3%। लेकिन एक उम्मीद सबको होती है कि सैलरी बढ़ेगी, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस बार आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। बता दें, ग्लोबल प्रोफेशनल फर्म एऑन PLC हर साल कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि हो सकती है उसके लिए सर्वे करती है। देश में तेजी से बढ़ रही महंगाई के कारण कर्मचारियों को भी अपने वेतन में ज्यादा वृद्धि होने की उम्मीद है। सर्वे में अनुमान जताया जा रहा है कि इस साल कर्मचारियों के वेतन में 9.5% की वृद्धि हो सकती है। AON सर्वे की माने तो वित्तीय संस्थाओं, इंजीनियरिंग, ऑटो और साइंस सेक्टर में इस बार सबसे ज्यादा सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। कुल मिलाकर बात करें तो इस साल 9.5% सैलरी इंक्रीज हो सकती है। हालांकि AON ने सैलरी हाइक की जो उम्मीद लगाई थी उससे ये कम है। सर्वे में ये भी कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सैलरी हाइक में लीड करेगा। इस सेक्टर में 10.1% की हाइक की उम्मीद है। दूसरे नंबर पर साइंस और वित्तीय संस्थाएं हैं, इनमें सैलरी ग्रोथ 9.9% हो सकती है। सर्वे में टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट में 9.5% की बढ़ोतरी होगी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में 9.8% की, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग और सर्विसेज में 8.2%, तो वहीं वित्तीय संस्थाओं में 9.9%। इसके साथ साथ FMCG में 9.6% और मैन्युफैक्चरिंग में 10.1%, लाइफ साइंस में 9.9% और केमिकल्स में 9.7%। इसके साथ साथ रिटेल सेक्टर में 8.4% और प्रोफेशनल सर्विसेज में 9.7%। ई कॉमर्स में 9.2% की बढ़ोतरी के भी संकेत मिले हैं। भारत में AON टैलेंट सॉल्यूशंस के पार्टनर और मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी रूपांग चौधरी कहते हैं, दुनिया में आर्थिक मंदी के बावजूद भारत में कुछ सेक्टर में जबरदस्त विकास देखने को मिला है। हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें अभी भी निवेश की आवश्यकता है। ये सर्वे 45 उद्योगों से जुड़ी 1414 कंपनियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है। सर्वे में AON ने कहा कि 4 से 3 कंपनियों ने वेतन में 9% से ज्यादा की वृद्धि की बात कही। अन्य एशियाई देशों की तुलना में भारत में सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि होने की उम्मीद जताई गई है। वेतन वृद्धि में भारत के बाद बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।